श्यामा प्रसाद विद्यालय में 38 साल तक उन्होंने संगीत शिक्षण किया। उनका गायन दिल्ली की विष्णु दिगंबर जयंती समारोह में हुआ। उदयपुर, जयपुर, जबलपुर, सॉरी कानपुर, कटक आदि जगहों पर भी उनके गायन कार्यक्रम हुए। भजन, रवींद्र संगीत, नजरुल गीति की वो विशेषज्ञ हैं। NCERT के प्रोजेक्ट के तहत बंदिशों और गीतों का संग्रह उन्होंने किया। अपने जीवन में दूसरों के लिए वो क्या कर सकती हैं, उनकी निगाह सदा उसी पर लगी रही। मुझे ध्यान है कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता जो संगीत संकल्प से जुड़ने में सालाना उसका जो मिनिमम देय होता है उसे भी देने में असमर्थ है, तो माया जी ने कभी किसी को बताया नहीं, ये तो हमें बाद में पता लगा। वो अपनी तरफ से उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो संगीत संकल्प में डाल देती थी और कहती थी ये तो हमारा सदस्य है, ये तो बना हुआ सदस्य है, कभी बताती नहीं थी। ये ममता भाव अपने शास्त्रीय संगीत के कलाकारों के लिए जो उनके अंदर है उसको मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। श्रीमान भट्टाचार्य, श्रीमान माया भट्टाचार्य यहाँ विराजमान है, उन दोनों को मैंने उनके अपने घर में अपनी जो होम सपोर्ट है उसको, उनके बच्चों को अपनी डाइनिंग टेबल पर पढ़ाते हुए देखा है। घर छोड़ के चली जाती थी कि तुम लोग पढ़ो, और वो जब आगे बढ़ गए तो वो चले गए अपने रास्ते। ये सब कौन करता है? ये वही करता है जिसके अंदर इंसान जिंदा होता है। माया जी इंसानियत की साक्षात मूर्ति है। अब मैं जान रहा हूं कि उनके अंदर इस वक्त कितना ऊहापोह चल रहा है, क्योंकि ये सबकी वो आदि है ही नहीं कि सम्मानित किया जाए। इस दुविधा से वो जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहती हैं, और हम हैं कि उन्हें जल्दी मुक्त होने नहीं देना चाहते। माया जी सचमुच ये संगीत संकल्प आपके और आप जैसे व्यक्तियों की वजह से ही संगीत संकल्प है। आप ना होती तो ये संगीत संकल्प आज इस स्थिति में ना होता, ये तय बात है, और मैं कह रहा हूँ ये एक प्रमाण है अपने आप। चाहूँगा दिल्ली संगीत संकल्प के हमारे जो पदाधिकारी हैं और उनके साथ जो भी इससे जुड़े हुए हैं उस सम्मान की प्रक्रिया को आरंभ करें। डॉक्टर मल्लिका बनर्जी जो माया जी के बाद दिल्ली संगीत संकल्प की अध्यक्ष बनी है, और ये माया जी के सुझाव पर ही मल्लिका जी को दिल्ली संगीत संकल्प का अध्यक्ष बनाया गया। ये इंद्राणी घोष श्रीवास्तव जो हमारी कोषाध्यक्ष है, ये इंदिरा मुखर्जी जी, ये जी के बाद जी डबल करने में बड़ी दिक्कत होती है, जो संगीत संकल्प से कब से जुड़ी हुई है। शिखा गांगुली जी, ये सब माया जी के शिष्य शिष्याओं में है। और अक्षय जी माया जी मैं आपको प्रणाम। रवि जी अक्षय जी भी आ गए हैं। ये अक्षय माया जी की देन है और इनकी देन है ये पूरा अधिवेशन। अगर एक जगह पे आप केंद्रित करें
तो माया की उनकी देन अक्षय और अक्षय की देन है ये पूरा अधिवेशन, वरना हो ही नहीं सकता था, ये तय बात। वैसे उनको भी तो बुलाइए। नहीं नहीं मैं भी एकदम ठीक हूँ। उनको भी बुला लेंगे, जब देखो तब मर्दों की तरफ जाना। बहुत राहत मिली हमें आपसे। ये आप सबके सामने आपकी उपस्थिति में ये सम्मान हो रहा है, हमारे लिए इससे बड़े सुकून की कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि इससे ज्यादा पूरे देश। अगर मैं एक चीज बोलूंगी, ये सामने जो लेडी बैठी है ना, कल मेरे को पहचानी, तो मैंने कहा आप मेरे को जानते हो? हाँ। मैंने कहा कैसे जानते हो? आपने मेरे को ना, मैं शंकर में गाना गाने के लिए आई थी, आप मेरे को एक चेक दिया। मैं कब किसको चेक दिया? मैं तो किसी को चेक नहीं दिया, चेक देने का मेरा हक भी नहीं है। नहीं है, मैं कहा आप जानते हो मैं कौन हूँ? अब माया जी होना इसलिए पूछ रहे थे, चेक बाउंस हो गया था। कहने के लिए मेरा कुछ है नहीं, क्या कहूँ? मुझे अच्छा लगता है संगीत में, मैं संगीत के साथ रहना चाहती हूँ, हालांकि गा नहीं पाती हूँ बिल्कुल। आवाज़ आप सुन रही हैं तो गाना होता नहीं, लेकिन सुनती हूँ। और अभी भी मेरा पूरा, मैं रात के 2-2.5 बजे तक बैठ के भी सुन सकती हूँ, इतना लगाव है मेरा। और ये मुकेश जी जो सब कुछ कह गए, पता नहीं मैं उसमें सीखने में कितनी कितनी काबिल हूँ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि हमारे साथ जो भी आए, सब ने मेरी इतनी मदद की, इतनी मदद की कि मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता था। उनको एक बात कहो तो सारे मिलकर कर देते। ये अक्षय, अक्षय को आप देख रहे हैं, इसे काम तानसेन, सीतानाथ, एक सीतानाथ को मैं नहीं देख रही हूँ, सीतानाथ तो कहाँ है? छुप के बैठा है। अरे वाह क्या बात है, ये सब जो है चुपचाप काम कर देते हैं, कभी कहते नहीं, कुछ भी नहीं, कोई वो आपत्ति नहीं किसी बात के लिए, हर काम में ये आगे जुट जा देते हैं। और अक्षय के लिए मैं जितना कहूँ वो कम है, क्योंकि ये जो अधिवेशन हमने बहुत पहले से सोचने की कोशिश की कि दिल्ली में कराया जाए या नहीं, कैसे किया जाए, इतनों हर तकरीबन हर मीटिंग में ही हम लोग इसका जिक्र करते थे कि हम दिल्ली में क्यों नहीं करा सकते हैं। प्रॉब्लम क्या था कि हमें जगह नहीं मिलती थी जहां हम संगीत का ये महफिल भी रहे, और हाँ नहीं घर में नहीं, घर के ऊपर तो होता रहता था, लेकिन ऐसे अधिवेशन के लिए, अधिवेशन के लिए हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ सब मिलकर बैठ सकते हैं, एक सभा चल सकती है और वहाँ सब रह भी सकते हैं। ये कहीं से आएंगे फिर देर हो जाएंगे, किसी को कुछ दिक्कत होगी, जगह नहीं मिलेंगी ढूंढ के, तो ये सब जो दिक्कतें हैं हमें सोचना पड़ता है, क्योंकि हम और शहरों में जहाँ गए और अधिवेशनों में जहाँ भी गए वहाँ हमें ये सब सुविधाएं मिलती रही हमेशा, तो वही देख के हमें दिल्ली में कहीं ऐसे नहीं मिला। ये अक्षय इज द फर्स्ट पर्सन जिसने इसकी जिम्मेदारी उठाई और ये सब चुपचाप कहीं, और आप इसको कभी गुस्से में नाराजगी कभी जताने नहीं देगा, हर समय मुस्कुराते हुए हर काम को निभा लेता। और मैंने सुना आपकी बहन
आपके कजन, हाँ, उन्होंने इसमें इस काम में बहुत मदद किया है और मुझे बेहद खुशी है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आए अच्छा, हाँ, उनको मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतना बड़ा काम करने में हमें सफलता ला के दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुकेश जी को क्या कहना है, स्तंभ है, कोई समझता है मुझे, ऐसा नहीं है। एक स्तंभ है, जैसे राष्ट्रपति कुछ काम नहीं करते हैं, वो देखते रहते हैं, लेकिन है उनका हर तरह। मुकेश जी भी ऐसे ही करते हैं, कितना हाथ से काम करते हैं ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन जो ये खड़े जब खड़े रहते हैं लोग, इनके उपस्थिति से जो उत्साह मिलते हैं इनको, ये बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है हमारे लिए। तो हम मुकेश जी को धन्यवाद से छोटा नहीं करेंगे, ये उनको करना है। कर दीजिए ना, मैं इतना लंबा हूँ कि छोटा होके भी लंबा ही रहूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो और हमारे सब सदस्य जो हैं, सभी का मैं दाद देती हूँ कि इतना सहयोग मुझे दिया है, बहुत मदद किया है, जब इनकी संगीत संकल्प आज ये अधिवेशन करने में सफल रहे। माया जी के इन इस वक्तव्य से आपने समझ लिया होगा कि वो किस तरह की महिला हैं और किस तरह से समर्पित रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माया जी, कि तबीयत ठीक ना होने के बावजूद मल्लिका जी के और हम सब के आग्रह पर आप यहाँ आई और हमें ये गौरव दिया कि हम आपको ये छोटा मोटा सा सम्मान दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और दिल्ली संगीत संकल्प की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को